नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सबका स्वागत करता हूँ। यह हमारी MPGK की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने काफ़ी पहले काफ़ी सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो आप देख सकते हो, यहाँ पे एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं आप। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आगे जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें इसी तरीके से क्वेश्चन आपको रिपीट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रानी रूपमती और बाज बहादुर की कहानी निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है और ये फिर से रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर आपको याद रखना है, मांडू। ओके, और पिछले वीडियो में हमने बात की तो मांडू जो है वो मालवा की मुस्लिम सल्तनत जो थी तो उसकी राजधानी हुआ करती थी, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गणगौर त्यौहार कितने दिनों के लिए मनाया जाता है? तो गणगौर त्यौहार जो है वो 9 दिन के लिए मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? तो जब ये पुनर्गठन हुआ था तब 43 थे मध्य प्रदेश में, तो ये आपको याद रखना है। और 1 नवंबर 1956 को जो है ना इसको पुनर्गठन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईआईटी इंदौर की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? तो जो आईआईटी इंदौर है, इंदौर में है, तो ये दरअसल 2009 में जो है वो इसकी स्थापना हुई थी, आईआईटी इंदौर। ओके, और इंदौर को मध्य प्रदेश की मिनी मुंबई कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्रुपद गायकों के प्रशिक्षण देने के लिए एक संस्थान है जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कब स्थापित की गई थी? तो ये दरअसल 1981 में जो है ध्रुपद जो संस्थान है, केंद्र है, वो इसको स्थापना हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2017 में मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो उस टाइम का जो है वो करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है, तो उस टाइम भी 2017 में जो है पॉलीथीन बैग जो थी वह उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, और लेकिन अभी भी फिर से स्टार्ट हो गया है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है बदलाव। ओके, तो उस टाइम का है, ये पूछा नहीं जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वर्ष में मध्य प्रदेश सरकार ने खुशी विभाग स्थापित किया था? तो खुशी जो हैप्पी इंडेक्स जो डिपार्टमेंट है जिसका मुख्यालय जो है वो भोपाल में है, तो ये 2016 में जो है स्थापित किया गया था, और ये जो IIT खड़गपुर है उसके साथ ये बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन रामपाल का जन्म मध्य प्रदेश के किस स्थान में हुआ था? तो अर्जुन रामपाल का जो है वो जबलपुर में हुआ था। आपको पता है अर्जुन रामपाल एक एक्टर हैं, काफ़ी फेमस, तो इनका जो है वो जबलपुर में हुआ था, और जबलपुर में जो है वो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना 2007 में एक अधिनियम द्वारा किस जिले में की गई थी? तो ये फिर से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति जो है वो विश्वविद्यालय जो है वो अनूपपुर में है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन किसका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था? तो शंकर दयाल शर्मा जो है वो मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, तो ये राष्ट्रपति हुआ करते थे, और इनका जन्म अगर आपसे पूछ लिया कि कौन से शहर में या कौन से स्थान पर हुआ था, तो ये भोपाल में हुआ था, तो ये आप याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित एल्कलाइड फैक्ट्री कहाँ है? तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, तो एल्कलाइड फैक्ट्री जो है वो नीमच में है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, नीमच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्ना टाइगर रिजर्व का मुख्य वन प्रकार क्या है? तो यहाँ पर बात की जाए तो इनका जो मोटो है एक तरीके से, क्या कौन से वन पाए जाते हैं, तो ये दरअसल जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क वनपाती और दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क सागौन के वन जो है यहाँ पर पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। बाकी मैं बता चुका हूँ, अगर ऑप्शन का नहीं पता हुआ तो ऐसे आपको ऑप्शन मिला करें तो आप उपरोक्त दोनों लगा दिया करो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन मैयर घराने से जुड़ा हुआ है? तो ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था, उस्ताद अलाउद्दीन खान जो है वो मैयर घराने से जुड़े हुए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से व्यक्तियों में से
किसने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था? तो मुख्य न्यायाधीश ने इन्होंने किया था जे एस वर्मा ने, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर ने किस वर्ष ग्वालियर में एक दिवसीय मैच में 200 रन बनाए थे? तो ये पहली बार, पहले भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये दरअसल ग्वालियर में जो है 2010 में एक दिवसीय मैच हुआ था, तो वहाँ पर जो है वो 200 रन बनाए थे, और ये कौन से रूप सिंह स्टेडियम में, तो ये भी आपको याद रखना जो कि ग्वालियर में है। अगला क्वेश्चन है, सतना जिले किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो ये उत्तर प्रदेश के साथ साझा करता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है, आपको जो डायग्राम है मैप है मध्य प्रदेश का, वो आपको याद रखना है कि कौन सी जगह कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, किस एरिया में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य के पूर्वी खंड पर स्थित है? तो पूर्वी किस खंड पर, ये बिंद जो है विंध्यांश है या बिंद बोलते हैं, तो ये दरअसल उसके पूर्वी खंड पर स्थित है बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि रघुराम राजन आरबीआई के पूर्व गवर्नर का जन्म हुआ था? तो ये दरअसल उस टाइम का क्वेश्चन है जब रघुराम राजन जो है ना वो गवर्नर थे आरबीआई के, तो इनका दरअसल ये भोपाल के थे, तो इनका जन्म जो है वो भोपाल में हुआ था, तो इसका आंसर आपको याद रखना है। ओके, बाकी आपको अभी करंट में जो है उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आरबीआई के जो गवर्नर है वो कौन है और कौन से नंबर के हैं, तो ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वास्तुकला का साक्षी है? तो जो मांडू में वास्तुकला है वो अफगान वास्तुकला की साक्षी है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि जो मुस्लिम सल्तनत, तो मालवा की मुस्लिम सल्तनत थी, तो उसकी राजधानी हुआ करती थी मांडू, तो उससे आप रिलेट कर सकते हो जो अफगान हुआ करते थे। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, देश का क्षेत्र माध्यम में आता है? तो देश की बात की जाए तो जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है वो 9.5% जो है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का इतना है, 9.5%, तो ये एरिया जो है वो मध्य प्रदेश में आता है, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट से जुड़ा हुआ है? तो ये दरअसल नरेंद्र मेनन जो है वो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। तो ये फेमस कुछ पर्सन होते हैं, आपने देखा कि कितने क्वेश्चन जो है वो फेमस पर्सन से पूछे गए हैं, तो इन्हें आप याद कर लीजिएगा कैसे भी करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौरी सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो गौरी सोमनाथ जो मंदिर है वो ओमकारेश्वर में स्थित है। ओके, तो इसका आंसर आपको याद रखना है फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के 5वें अनुसूची के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा शासित है? तो जो मंडला जो जिला है एक तरीके से वो 5वीं अनुसूची के अनुसार जो है वो मध्य प्रदेश के शासित है, तो ये आपको याद रखना है। और मंडला बालाघाट में जो है वो एक कान्हाश्री राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, तो ये भी याद रखना। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो 5वीं अनुसूची है वो क्या किसके अंडर आती है, इसके अंदर क्या आता है, तो जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जो शेड्यूलिंग एरिया होते हैं और एसटी वाले एरिया होते हैं, तो उनका कंट्रोल करना काम होता है 5वीं अनुसूची यानी 5वें शेड्यूल में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द प्रेजेंट हाउस ऑफ मध्य प्रदेश विधानसभा इज? तो जो बात की जाए तो ये वर्तमान विधानसभा मध्य प्रदेश विधानसभा वर्सभा जो है वो 15वां है, तो ये उस टाइम का क्वेश्चन है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो विधानसभा में मध्य प्रदेश में कितनी सीटें होती हैं, तो ये दरअसल 230 होती हैं, आपको पता है, और एक जो होता है वो एंग्लो इंडियन होता है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा जो है ना वो नॉमिनेट किया जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्र सेनानियों का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था? तो आपको पता है जो है वो तालिलिया भील और चंद्रशेखर आजाद, इन दोनों का ही जो है वो मध्य प्रदेश में हुआ था, ये चंद्रशेखर आज़ाद का जो है वो झाबुआ में हुआ था, और अगर आपसे पूछा जाए कि तालिलिया भील जो है ये कहाँ पर, ये खंडवा में हुआ था, तो ये भील थे तो इनका जो है वो खंडवा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा की वर्तमान इमारत किस वर्ष में तैयार की गई थी? तो ये दरअसल की गई थी जो मध्य प्रदेश विधानसभा जो है वो
1967 में जो है इसको तैयार किया गया था, तो जो विधानसभा है उसको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस सदी में दिल्ली सल्तनत ने उत्तरी मध्य प्रदेश पर कब्जा किया था? तो ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया, तो 13वीं सदी में जो है वो ये दिल्ली सल्तनत जो है मध्य प्रदेश पर कब्जा कर लिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में, दरअसल उस टाइम का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये निधन हो गया था प्रताप सिंह बहेल का, तो ये राजनीतिक थे, तो ये 2017 का, तो ये आपको याद नहीं करना है, करंट अफेयर्स का उस टाइम का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में साहित्य परिषद किस वर्ष स्थापित किया हुआ था? तो साहित्य परिषद जो है वो 1954 में जो है मध्य प्रदेश में स्थापित हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीहोर से भोपाल जिला कब पृथक हुआ था? तो दरअसल सीहोर था वो पहले भोपाल में ही था, तो ये दरअसल 1972 में जो है वो फिर भोपाल से अलग हो गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में एशिया का सबसे बड़ा घनी कोयले की परत स्थित है? तो जो ये दरअसल सीधी में है, तो ये आपको याद रखना है, एशिया की सबसे घनी कोयले की परत। तो एशिया की बात की जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन हो जाता है, पूरे एशिया में जो है सबसे ज़्यादा जो घनी परत है कोयले की वो सिधी में है। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में, देखो उस टाइम क्या है तो इसको कुछ मतलब नहीं है करने से, हाल ही में तो करंट अफेयर्स का उस टाइम पे सम्मेलन हुआ था, तो इंदौर में हुआ था। ओके, तो ये छोड़ देते हैं हम क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण लोया अयस्क उत्पादक जिला है? तो लोया अयस्क जो है वो बालाघाट में होता है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, तो ये आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा देखो यहाँ पर मंदसौर लिखा है, ये बालाघाट लिखा है, तो ये आप कन्फ्यूज मत होइएगा। ओके, तो ये गलत हो गया है। बाकी आपको याद रखना है जो मंडला, बालाघाट, जबलपुर इस क्षेत्र में जो है वो लोया अयस्क पाया जाता है, और मैग्नीज जो है वो भी बालाघाट में पाया जाता है, बालाघाट, छिंदवाड़ा, तो ये आपको याद रखना है। और ग्रेफाइट का एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि मध्य प्रदेश में ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है, तो वो बैतूल में पाया जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछ लिया था एवेस्टॉस कहाँ पे पाया जाता है, तो ये झाबुआ में पाया जाता है। ये कुछ चीज़ें हैं आपको याद रखनी है जो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ली जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी माधव राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज़्यादा दिखाई देता है? तो तेंदुआ जो है सबसे ज़्यादा जो है वो माधव राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? दरअसल शिवपुरी में है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजपूत वंशों में से किसने मध्य प्रदेश पर शासन किया? तो चालुक्य ने जो है वो शासन किया था मध्य प्रदेश में, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है कि किस प्रकार का हस्तशिल्प मध्य प्रदेश में विख्यात है? तो कांच का उद्योग और टेराकोटा, तो ये दोनों ही जो है हस्तशिल्प के का मध्य प्रदेश में विख्यात है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा आपको कंफ्यूज होगी कि ये टेराकोटा क्या होता है। तो टेराकोटा दरअसल एक जो मूर्तियां होती हैं उन्हें बनाने का काम होता है, तो मूर्तियों पर कढ़ाई की जाती है, तो वो से ही बोलते हैं टेराकोटा। ये दरअसल इटालियन वर्ड है एक तरीके से, जिसका बोलता है बेक अर्थ, चलिए बेकिंग करना एक तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस योजना का नाम बदलकर प्रतिभा विकास योजना रख दिया गया? तो दक्षता संवर्धन प्रोग्राम को जो है ना प्रतिभा विकास योजना रखा गया, तो उस टाइम का ये जब योजना स्टार्ट हुई तो उस टाइम की न्यूज है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी है? तो ये आपको याद रखना है, कूनो, कूनो जो है वो है चंबल नदी की सहायक नदी है। बाकी आपको पता है हलाली जो है वो वहाँ पर जो विदिशा है वहाँ पर जो बांध बना हुआ है, तो ये हलाली नदी है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लिया जाते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो मध्य प्रदेश के जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं मकबूल फिदा हुसैन, तो इसका आंसर हो जाएगा मकबूल फिदा हुसैन। तो आप देखोगे कि जो फेमस पर्सन है एक तरीके से, उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इन्हें आपके लिए एक आप बुक में लिख लीजिएगा एक जगह, और इन्हें आप रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि
अगर एग्जामिनर को लेवल स्टैंडर्ड बढ़ाना रहता है किसी एग्जाम को, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इनका नाम याद रखना है आपको, एक चित्रकार हैं तो मकबूल फिदा हुसैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने माधव संगीत कॉलेज की स्थापना की थी, तो ये दरअसल कहाँ पे की थी? तो ये दरअसल ग्वालियर में की थी। तो ये आप याद रखिएगा, आपको एक माधव जो है, माधवराव सिंधिया, दरअसल वो ग्वालियर से बिलोंग करते, तो इस तरीके से याद रख सकते हो आप जो है वो ग्वालियर में है। और बाकी तानसेन का मकबरा, जो तानसेन जो एक गायक थे, तो उससे भी आप रिलेट कर सकते हो माधव संगीत से। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, बेनिफिशियल लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो लोग हमारा चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक रेड कलर की बटन आया हुआ, उस पर क्लिक कर लें, और एक बेल आइकन बन के आएगी, उस पर भी प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए गुड डे।